सवाल नंबर एक, प्रेगनेंसी होने की क्या पहचान होती है। सवाल नंबर दो, प्रेग्नेंट होने के कितने दिनों बाद बदलाव दिखता है। सवाल नंबर तीन, प्रेगनेंसी कब से गिनी जाती है। सवाल नंबर चार, प्रेगनेंसी के पहले सप्ताह क्या होता है। सवाल नंबर पाँच, प्रेग्नेंट होने के कब ज़्यादा चांस होता है। सवाल नंबर छः, गलती से प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए। सवाल नंबर सात, प्रेगनेंसी में सेक्स करना गलत होता है या सही होता है। सवाल नंबर आठ, साबुन से प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं। सवाल नंबर दो, प्रेगनेंसी में कौन सी दालें खानी चाहिए। सवाल नंबर दस, प्रेग्नेंट होने की सही उम्र क्या होती है। सवाल नंबर ग्यारह, पपीता खाने से गर्भ कैसे गिरता है। सवाल नंबर बारह, प्रेगनेंसी में पति से कब दूर हो जाना चाहिए। सवाल नंबर तेरह, प्रेगनेंसी में सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए। सवाल नंबर चौदह, गर्भधारण के लिए कितनी बार सेक्स करना चाहिए। सवाल नंबर पंद्रह, प्रेगनेंसी में बच्चों की धड़कन कितने दिनों बाद आती है। सवाल नंबर एक, प्रेगनेंसी होने की क्या पहचान होती है। दरअसल इसकी कई पहचानें हो सकती है, जैसे कि नंबर एक, हैवी ब्रेस्ट, यह एक बेहद सामान्य लक्षण है। दरअसल ब्रेस्ट के ऊतक हार्मोन के प्रति अति संवेदनशील होता है। गर्भधारण करने के साथ ही शरीर में हार्मोनल चेंज होना शुरू हो जाता है, इससे ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है या फिर भारीपन आ जाता है। नंबर दो, निप्पल के रंग में बदलाव। दरअसल गर्भ व्यवस्था के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंज से मेलानोटिस प्रभावित होता है, यानी इसका प्रभाव उन कोशिकाओं पर पड़ता है जो निप्पल के रंग के लिए उत्तरदायी होती है। गर्भ धारण करने पर निप्पल का रंग गहरा हो जाता है। नंबर तीन, मितली आना और उल्टी जैसा लगना। दरअसल गर्भ व्यवस्था में दिन की शुरुआत काफ़ी बोझिल होती है, सुबह उठकर कमजोरी लगती है और मितली आती है। कई बार कुछ खाने पर उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। नंबर चार, जल्दी जल्दी टॉयलेट जाना। क्या अब आप पहले की तुलना में ज़्यादा बार टॉयलेट जाने लगी हैं। ऐसे समय में किडनी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, जिससे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। नंबर पाँच, क्रेविंग भी गर्भवती होने का एक प्रमुख लक्षण है। गर्भवती महिला में किसी विशेष चीज़ के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है और हर वक्त वही खाने का दिल करने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस दौरान महिला की डेली डाइट अचानक से बढ़ जाती है। नंबर छः, सिर दर्द होना। दरअसल ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से सिर में दर्द रहने लगता है। यह गर्भ व्यवस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक प्रमुख लक्षण है, पर धीरे धीरे यह खुद ही ठीक हो जाता है। नंबर सात, कब्ज की शिकायत हो जाना। दरअसल हार्मोन चेंज होने की वजह से पाचन क्रिया पर भी असर पड़ता है, पाचन क्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसे में महिला को अक्सर कब्ज की शिकायत होने लगती है। नंबर आठ, शरीर का तापमान और मूड। गर्भवती होने पर शरीर का तापमान अक्सर सामान्य तापमान से अधिक बना रहता है। इतना ही नहीं, इस दौरान समय समय पर मूड भी बदलता रहता है। कभी कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है तो कभी उसी चीज़ से नफरत सी हो जाती है। सवाल नंबर दो, प्रेग्नेंट होने के कितने दिनों बाद बदलाव दिखता है। दरअसल गर्भधारण के 6 से 14 दिन बाद गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण सामने आते हैं। एक बार जब आप ओव्यूलेशन अवधि के दौरान सेक्स करते हैं तो शरीर बढ़ते भ्रूण के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर देता है। फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण खुद को गर्भाशय की दीवार से जोड़ता है। नंबर तीन, प्रेगनेंसी कब से गिनी जाती है। दरअसल औसत गर्भावस्था कुल 40 हफ्तों अर्थात 280 दिनों की मानी जाती है, जिसकी शुरुआत आपके अंतिम महावारी चक्र के पहले दिन से होती है। इसे प्रायशंसेद में LMP कहा जाता है। गर्भावस्था का जिक्र आमतौर पर भ्रूण आयु विकास के बजाय गर्भधारण अवधि के रूप में किया जाता है। नंबर चार, प्रेगनेंसी के पहले सप्ताह में क्या होता है। दरअसल जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में जी मिचलाना और उल्टी होना, कई बार पेशाब जाना आदि शामिल है। इसके इतर गर्भधारण करने पर महिला को थकान की शिकायत होती है। इसके साथ ही कुछ महिलाओं में सिर दर्द के साथ ही शुरुआत में पैरों में सूजन भी नजर आने लगती है। इम्पोल्टेशन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के शुरुआती संकेतों में से एक है। सवाल नंबर पाँच, प्रेग्नेंट होने के कब ज़्यादा चांस होता है। दरअसल आपके पीरियड की अवधि समाप्त होने के बाद आप गर्भवती हो सकती है। वास्तव में प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड्स के बाद के 5 दिन और एवोल्यूशन वाला दिन भी शामिल होता है। यदि आप गर्भधारण करने की योजना बना रही है तो आपको हफ्ते में 2 या 3 बार सेक्स करने की सलाह दी जाती है। पीरियड्स के बीच में प्रेग्नेंट होने के निशान कुछ दिन बाद तक पाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए पीरियड्स के 6 दिन पहले और 4 दिन बाद आदर्श माना जाता है। सवाल नंबर 6, गलती से प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए। दरअसल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप में कई बार भावनाओं के कारण ऐसी गलती हो जाती है, जिनसे सिर्फ रिश्ते पर ही नहीं बल्कि उस स्थिति से जुड़े कपल्स की आगे आने वाली ज़िंदगी पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। इनमें से एक ऐसी ही गलती है
अनचाही प्रेगनेंसी। वैसे यह स्थिति सारे प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी आ सकती है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन यह बात तय है कि इससे पैदा होने वाला तनाव और डर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में किसी को क्या करना चाहिए, चलिए हम आपको बता देते हैं। नंबर एक, प्रॉपर टेस्ट करवाएं। नंबर दो, ब्लेम गेम से ना खेलें। नंबर तीन, फैसला मिलकर लें। नंबर चार, डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नंबर पाँच, गर्लफ्रेंड को अकेला ना छोड़ें। सवाल नंबर सात, प्रेगनेंसी में सेक्स करना गलत होता है या सही होता है? दरअसल प्रेगनेंसी के किसी भी स्तर हर 3 महीने पर सेक्स सुरक्षित होता है और इससे कोख में पल रहे शिशु को नुकसान नहीं होगा। महिलाओं को गर्भपात या दर्द का डर रहता है, लेकिन जब तक दूसरी जटिलता नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मन में ऐसे डर है तो डॉक्टर से ज़रूरी बात भी करनी चाहिए। कहीं जोखिम है तो डॉक्टर चेक करने के बाद ज़रूरी सलाह दे देगी। माई उपचार से जुड़े डॉक्टर विशाल मकवाना के अनुसार प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स का एक फ़ायदा यह भी होता है कि मांसपेशियां प्रसाव के लिए मजबूत हो जाती हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। खास बात यह है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सेक्स में अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। इसका कारण है कि जननांगों में बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह उन्हें अति संवेदनशील बना सकता है, साथ ही गर्भावस्था के दौरान स्तन अधिक संवेदनशील हो जाता है। कुल मिलाकर गर्भावस्था के दौरान सेक्स किया जा सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूर बरतनी होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि शारीरिक संबंध बनाने से पहले डॉक्टर के सलाह जरूर और आवश्यक हो जाती है। सवाल नंबर आठ, साबुन से प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं? दरअसल सबसे पहले साबुन का एक टुकड़ा ले और उसे पानी में तब तक घोल कर रखें जब तक कि झाग ना बन जाए। इसमें अपना सुबह का पहला यूरिन डालें, क्योंकि पहले यूरिन में ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन का लेबल सबसे ज़्यादा होता है। साबुन और पेशाब की मात्रा 1:3 के अनुपात में होनी चाहिए ताकि बेहतर रिजल्ट आ सके। इसके बाद 5 से 10 मिनट इंतजार करें। अगर आप प्रेगनेंट हैं तो इस सॉल्यूशन में झाग आने शुरू हो जाएंगे और इसका रंग भी हरे से नीला हो जाएगा। 10 मिनट तक सॉल्यूशन का रंग नहीं बदलता तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। सवाल नंबर 9, प्रेगनेंसी में कौन सी दालें खानी चाहिए? दरअसल बुकलेट में स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं को अंकुरित अनाज, मसूर की दाल, फल, पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ड्राई फ्रूट जूस और अनाज खाने की सलाह दी गई है। सवाल नंबर 10, प्रेग्नेंट होने की सही उम्र क्या होती है? दरअसल गर्भ धारण करने के लिए 22 से 28 साल की उम्र बेस्ट होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस उम्र में महिला शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार होती है। गर्भावस्था होने के लिए ऑर्गेज्म भी बहुत ज़रूरी कारक होता है। सवाल नंबर 9, पपीता खाने से गर्भ कैसे गिरता है? दरअसल पपीता उन महिलाओं को खाने की सलाह दी जाती है जिनका पीरियड समय पर नहीं होता। पपीते में लैक्टेस होता है जो यूरेटाइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देता है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी में समय से पहले ही लेवल पेन शुरू हो जाता है और गर्भपात हो सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला को पपीता नहीं खाने की सलाह दी जाती, क्योंकि पपीता खाने से मिसकैरी यानी गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। हम आपको बता दें कि पपीता उन महिलाओं को खाने की सलाह दी जाती है जिन्हें पीरियड समय पर नहीं होते हैं। पपीते में लैक्टेस होता है जो यूरेटाइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देता है। सवाल नंबर 12, प्रेगनेंसी में पति से कब दूर हो जाना चाहिए? दरअसल सेक्स कब और कैसे किया जाए, यह किन बातों से बचा जाए, इसके लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। महिलाओं के गर्भ ठहरने के शुरू के 2 महीने तक सेक्स करने से बचना चाहिए और गर्भावस्था के अंतिम 1 महीने में भी सेक्स से दूरी बनानी चाहिए। सवाल नंबर 13, प्रेगनेंसी में सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए? दरअसल सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी पीने से प्रेगनेंसी में होने वाली कब्ज़ दूर रहती है। गर्मी का मौसम है तो पानी जरूर पिए और इस समय नारियल पानी, नींबू पानी और फ्रूट जूस पिए। सुबह के समय इन अच्छी आदतों को अपनाकर आप हेल्दी और फिट रह सकती हैं। इससे आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और उसका विकास भी ठीक तरीके से हो पाएगा। सवाल नंबर 14, गर्भ धारण के लिए कितनी बार सेक्स करना चाहिए? दरअसल स्पन की बेहतर सप्लाई के लिए हफ्ते में 3 से 4 बार सेक्स करना उचित होता है। 3 और 4 दिनों तक स्पन जिंदा रहते हैं, इसलिए नियमित सेक्स नियत सप्लाई को सुनिश्चित करते हैं और गर्भधारण की संभावना प्रबल होती है। सवाल नंबर 15, प्रेगनेंसी में बच्चे की धड़कन कितने दिनों बाद आती है? जैसे शुरुआत में भ्रूण का विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं, इसकी पुष्टि तभी संभव है जब विकसित हो रहे भ्रूण अपने सही स्थान पर प्रत्यारोपित हो, यानी गर्भाशय के केंद्र में, और साथ ही यह भी कि एक निश्चित समय अंतराल बाद उसमें धड़कन विकसित हुई है या नहीं। यदि मासिक धर्म नियमित है तो मोटे तौर पर धड़कन सामान्य गर्भ धारण करने के 6 से 7 सप्ताह में विकसित हो जाती है और यह जानकारी मात्र प्रारंभिक सोनोग्राफी के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है और कोई तरीका नहीं होता है।
तो दोस्तों आज हमने आपको गर्भधारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।